नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छिंदवाड़ा जिले की तहसील चांद के अंतर्गत आने वाले ग्राम टॉप में माचा गोरा नहर की जो छोटी नहर का काम चल रहा है उसमें कार्यों में हो रही लापरवाही से किसान परेशान हो रहे हैं। उचित तरीकों से नहरों का कार्य नहीं किया जा रहा है। उस स्थान पर उपस्थित किसानों का कहना था कि पिछले वर्ष भी यहां पर नहर का कार्य किया गया था पर यह पानी में पूरी तरह फूटकर बह गई थी। इस बार फिर गलत तरीके से नहर का कार्य किया जा रहा है जिससे बारिश के पानी में भरने से किसान की फसल तो बर्बाद होगी साथ में शासन का पैसा भी बर्बाद और व्यर्थ हो रहा है। किसानों की मांग है कि बारिश के पानी और खेतों में जो पानी आता है उसकी निकासी के लिए पानी के लिए पुलिया या पाइप डाले जाए जिससे किसी भी किसान की फसल बर्बाद ना हो और नहर का कार्य भी अच्छी तरह से हो क्योंकि किसानों की प्रतिवर्ष बारिश में पानी भरने से फसल बर्बाद हो रही है। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने वहां पर उपस्थित किसान नवीन रघुवंशी से बात की तो आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन रघुवंशी है। कहाँ से निवास करते हैं आप? मैं टाप से निवास करता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है किस स्थान में? ये टाप के कावड़ क्षेत्र में है। जी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको जो नहर में बताया आपने? कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ लगातार छोटी नहर का काम चल रहा है और यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई नहीं गई है जिस कारण से पिछले बार बारिश में ये हुआ कि इन्होंने बोल दिया गया कि हम बाद में व्यवस्था बना देंगे आपकी, पिछली बार भी नहीं बनाया गया और यहाँ पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो इससे पूरी फसल नष्ट हो गई। अब ये हो रहा है कि कंटिन्यू काम चल रहा है। हम दो दो तीन तीन बार SDM SDO साहब से इसको अवगत करा चुके हैं कि हमारी शिकायत ये है कि यहाँ से आप पुलिया डाल के तुरंत जल्द से कार्रवाई करके यहाँ से पुलिया डाल के यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था करें। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज, जिला छिंदवाड़ा। मैं अभी खड़ा हूँ ग्राम टाप में। यहाँ पे जो है किसानों की एक समस्या आई थी मेरे पास कि जो माचागोरा नहर बनी है छोटी वाली उससे यहाँ किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और दो सालों से फसल बर्बाद हो रही है क्योंकि एक बार यहाँ पे पानी भरने से फसल तो बर्बाद हुई थी साथ ही सरकार का भी पैसा बर्बाद हो रहा है। उनकी जो नहर यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, ये पहले बोले बह गई थी पानी में तो फिर से ये नहर बना रहे हैं। तो अगर सरकार शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देगी तो निरंतर सरकार का ही इसमें पैसा लॉस हो रहा है। और किसानों का कहना यह है कि यहाँ पे पुलिया या फिर पाइप यहाँ पे ऐसा दे दिया जाए जिससे पानी की निकासी हो जाए तो फसल भी बर्बाद नहीं होगी और सरकार का पैसा भी बर्बाद यहाँ पे नहीं होगा। तो ये गलत ढंग से नहर बनाई जा रही है। अगर नहर सही ढंग से बनाई जाए तो इस प्रकार से नहीं होगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।